दोस्तों, ये जो आप इंजन देख रहे हैं ये है 135 सीसी डिस्कवर का, और ये जो इंजन है ये इंजन सीज कर गया है। सीज करने का कारण है दोस्तों, उसको देखने से पहले आप ये देख लीजिए कि इसका पिस्टन का जो कंडीशन है आपको देखकर पता चल जाएगा कि ये सीज किया हुआ पिस्टन है। ठीक है, इसका जो सिलेंडर का स्थिति आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। इंजन जो है सीज करने का कारण है दोस्तों, इसका ऑयल पंप का स्प्रॉकेट कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, ये टूटा हुआ है और टूटा हुआ भाग आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए टूटा हुआ भाग यहाँ है। ऑयल पंप स्प्रॉकेट का काम बहुत बड़ा होता है इंजन में, इसी के वजह से पूरे इंजन में जो है मोबिल का छिड़काव होता है, जैसे पूरे क्लच साइड, ठीक है, गियर बॉक्स में, क्रैंक में, पिस्टन पर, पिस्टन के जितने रिंग होते हैं वहाँ पर, और केम शाफ्ट, रॉकर, जितने भी इसका जो रोटेशन का पार्ट्स होता है इंजन में, सभी जगह ये ऑयल पंप और ऑयल पंप का स्प्रॉकेट के माध्यम से पूरे इंजन में जो है मोबिल का छिड़काव होता है। ठीक है, और यही टूटने के कारण से जो है दोस्तों मोबिल का छिड़काव रुक गया, और रुकने के कारण से जो है दोस्तों रिंग पर जो मोबिल का छिड़काव न होने के कारण जो है वहाँ सिलेंडर में जो पिस्टन है जाम हो गया, और इसके जो है क्रैंक में प्ले भी आ गया। ठीक है, इसमें ऊपर नीचे का प्ले आ गया, जिसके कारण से इसका जो है पूरे फुल इंजन का जो है काम करना होगा। तो इतने वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।